नमस्कार दोस्तों दोस्तों मनोज तिवारी को तो आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। अरे वही रिंकिया के पापा वाले मनोज तिवारी, ये उत्तर पूर्वी दिल्ली से भाजपा के प्रत्याशी हैं और दो बार के सांसद भी रह चुके हैं। इनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। उस वीडियो में मनोज तिवारी की बात सुनकर ऐसा लग रहा है कि इनका खुद का ये हाल है तो ये सांसद बनकर जनता का क्या भला करेंगे। दरअसल मनोज तिवारी ललन टॉप यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू देते हैं। इंटरव्यू जो है वो सौरभ द्विवेदी होस्ट कर रहे होते हैं। सौरभ द्विवेदी मनोज तिवारी से इलेक्ट्रोल और बॉन्ड को लेकर एक सवाल पूछते हैं, लेकिन बीजेपी के इस प्रत्याशी और सांसद को इलेक्ट्रोल और बॉन्ड के बारे में कुछ पता ही नहीं है। ये इंटरव्यू में कहते हैं इलेक्ट्रोल और बॉन्ड क्या होता है। लेकिन इलेक्ट्रोल बॉन्ड भी लाए हैं जिसपे सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग दोनों तल्ख हैं। इलेक्ट्रोल बॉन्ड क्या होता है बताओ दोस्तों? ये शख्स सांसद बनने के लायक है जिससे इलेक्ट्रोल और बॉन्ड के बारे में ही जानकारी नहीं है। वहीं अब इन्हें सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रोल भी किया जा रहा है। चलिए देखते हैं लोग क्या कुछ बोल रहे हैं। अश्वनी सोनी नाम के यूजर लिखते हैं, इलेक्ट्रोल और बॉन्ड क्या होता है? आपके ऊपर 10 साल से राज कर रहा प्रतिनिधि ये तक नहीं जानता और आपको उम्मीद है कि ये लोग विश्व गुरु बना देंगे? इतना भोलापन भी ठीक नहीं देशवासियों। जय की यादव नाम के यूजर लिखते हैं, अभी मनोज तिवारी का एक पुराना इंटरव्यू देख रहा था। ये इंटरव्यू ललन टॉप यूट्यूब चैनल पर है। उसमें सौरभ द्विवेदी मनोज तिवारी से कहते हैं कि तुम्हारी पार्टी को चंदा खूब मिलता है। आगे सौरभ द्विवेदी इलेक्ट्रोल और बॉन्ड का जिक्र करते हैं। मनोज तिवारी पूछते हैं इलेक्ट्रोल और बॉन्ड क्या होता है। सोचिए एक व्यक्ति जिसे 2020 में सांसद बने हुए 8 साल हो चुके होते हैं, उसे इलेक्ट्रोल और बॉन्ड के बारे में जानकारी नहीं है। दिल्ली के लोग भी पता नहीं मनोज तिवारी जैसे लोगों को चुनकर संसद क्यों भेज देते हैं। ममता राजगढ़ लिखती हैं, इलेक्ट्रोल और बॉन्ड क्या होता है? सोचिए एक व्यक्ति जिसे 2020 में सांसद बने हुए 8 साल हो चुके हैं, उसे इलेक्ट्रोल और बॉन्ड के बारे में जानकारी नहीं है। ऐसे लोगों को जनता चुनकर संसद में पहुंचा देती है। क्या मनोज तिवारी सांसद बनने लायक हैं? बताओ जिस इलेक्ट्रोल और बॉन्ड को लेकर अभी हाल ही में इतना बवाल मचा था, इनकी ही पार्टी यानी बीजेपी पर इलेक्ट्रोल और बॉन्ड को लेकर आरोप लगे थे, लेकिन इन्हें यही नहीं पता है कि आखिर इलेक्ट्रोल और बॉन्ड है क्या। बताओ जी, ये बनेंगे सांसद? दोस्तों आप मनोज तिवारी को लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताना, और इसी के साथ हमें भी दे दीजिए इजाजत। अगली बार फिर करते हैं आपसे मुलाकात किसी दूसरी खबर के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मजे में रहिए, और साथ ही अब जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।